खबर है मथुरा की, जहां वेटरनरी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेले का गुरुवार को समापन हो गया है। आज मेले के दूसरे दिन पशुधन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने पशुपालकों और चिकित्सकों से मुलाकात की। उन्होंने पशुपालकों और चिकित्सकों से कहा कि पशु संवर्धन और उनके विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, सभी इसमें लोगों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने अच्छी नस्ल के पशुओं और उनके स्वास्थ्य के रखरखाव की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मेले में प्रदर्शनी के लिए अच्छी नस्ल की गायें, भैंस, बकरी प्रदेश के कोने कोने से लाई गई हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को देखने के लिए दूर दराज से किसान भी वेटरनरी विश्वविद्यालय के मेले में पहुंचे थे। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुओं को निरोग अच्छी नस्ल के पशुओं के संवर्धन और स्वच्छता जैसे अभियानों की बड़ी शुरुआत की थी। वहीं प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की लोगों से भी अपील की गई है। अब सरकार स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उन प्लास्टिक को बैन कर रही है जिनका इस्तेमाल फिर से नहीं किया जा सकता। इसी के चलते सरकार की तरफ से अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि पशु संवर्धन के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है। अब हम पशु संवर्धन को प्राथमिकता देते हुए अच्छी नस्ल के सीमन पशुपालकों को देंगे, साथ ही पशुओं को निरोग बनाने के लिए उनका टीकाकरण करेंगे। आम लोगों की तरह पशुओं का भी स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। जी बताएं, कल प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम निर्धारित है? ब्रज भूमि का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग का सौभाग्य है, भारतवर्ष का दुग्ध उत्पाद विश्व में सर्वोत्तम हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना देश को दी है कि जो भी खुरपका, मुखपका, धनेला और कैंसर तक के जो भी पशुओं में बीमारी हैं, रोग हैं, उनको समूल जड़ से नष्ट किया जाए, इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। ये पशुधन विभाग और ब्रजवासी को मेरा सौभाग्य है। चूँकि पॉलीथिन खा के हमारी जो गाय हैं, जो निरीह गाय हमारी सड़कों पर घूमती हैं, उनमें अनेक बीमारियां पैदा हो गई हैं, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी संदेश देना चाहते हैं कि पॉलीथिन मुक्त भारत हो, स्वच्छता ही सेवा है, ये भी संदेश यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे। आज पूरे ब्रजवासी, पूरा पशुधन विभाग और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी के ही स्वागत के लिए यहाँ आएंगे, मुझे ये उम्मीद है। वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 365 दिन भारत को कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन ये जो संदेश यहाँ से होगा पॉलीथिन मुक्त भारत और हमारे पशुओं के को आरोग्य बनाने के लिए, ये जो संदेश होगा इसका प्रथम उद्घोष यहाँ ब्रजभूमि से होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा आयोजन हो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अभियान में एक याददाश्त बने, एक ऐतिहासिक काम बने, ये हमारा कार्यक्रम है। कितनी देर रुकेंगे हम प्रधानमंत्री? तो उनका प्रोग्राम आया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या 1.5 घंटे यहाँ रुकेंगे और ब्रजभूमि पर उनका अपार स्नेह है। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं आ रहे हैं, ब्रजवासियों में बहुत उत्साह है। कल JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।